कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर NSTAT या फिर NSTET, आप जो भी इस एग्जाम को बोलते होंगे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSTAT की प्रिपरेशन बैच 2 ऑफ 2023 एट राणा एजुकेशन। जी हाँ, हमारा फर्स्ट बैच जैन फेब में हमने किया था गाइज, और उसका रिजल्ट बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही पॉजिटिव है। हमारे 3 बच्चों ने NSTAT इस बार क्वालिफाई किया है, उनके साथ मैं बहुत जल्दी एक वीडियो शूट करने वाला हूं जो कि आप तक पहुंच जाएगा, है ना। तो आज के गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल, क्योंकि 17th ऑफ अप्रैल से हम लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं बैच 2 की। 120 डेज ये लाइव क्लासेस चलने वाली है। जी हाँ, 4 मंथ्स तक लगातार ये लाइव क्लासेस चलने वाली है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, हर एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में और कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होने वाला है विद लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राणा एजुकेशन। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गाइज, ये वीडियो 4 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे टाइम टेबल, क्लासेस, पहले कौन से पेपर पढ़ेंगे, फिर कौन से पेपर पढ़ेंगे, टाइमिंग क्या रहने वाली है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में गाइज हम बात करने वाले हैं ये कोर्स कहाँ पे है, मतलब मेरी ऐप, उसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, कोर्स को फाइंड कैसे करना है, उसको ज्वाइन कैसे करना है, फीस को पे कैसे करना है। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे क्लासेस जूम पे होंगी, कैसे होंगी, है ना, वो मेरी ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है तो आपको क्या करना रहेगा उसमें। और फोर्थ पार्ट में हम कुछ बेसिक क्वेरीज हैं एस्पिरेंट्स की, गाइज उनको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लेंथी होने वाला है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी NSTAT का एग्जाम दिया है ना, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और जिनको इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस का पता है, आई होप वो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है टाइम टेबल ऑफ ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स NSTAT 23 एंड बैच 2। ऑलराइट, जैसे आपको पता है हमारा फर्स्ट बैच जो है वो जनवरी फरवरी में निकला था और उसके बाद जो एग्जाम हुआ है उसमें हमारे 3 बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो अब हम 2023 का सेकंड बैच यहाँ पे गाइस शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बैच 2 होने वाला है गाइस। ये शुरू कब हो रहा है? ये शुरू होने वाला है 17th of April, 17 अप्रैल से शुरू होगा गाइस और ये चलेगा 14 अगस्त तक 23। ऑलराइट, एंड 120 डेज लाइव क्लासेस कवरिंग एंटायर सिलेबस मींस 4 मंथ्स, है ना, 4 मंथ्स गाइज आपका ये क्लासेस चलने वाली हैं। 120 डेज लाइव क्लासेस होने वाली हैं, कंप्लीट पैकेज रहने वाला है। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट बैच हुआ था उसमें बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर टाइम कम था, है ना, और अगर कुछ और टाइम होता तो और अच्छा होता, है ना, वहां भी हमारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था, बट बच्चे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि टाइम कम था। उस टाइम टाइम इसलिए कम था क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जल्दी आई थी, है ना। अभी जो हमें हमारे सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि अक्टूबर में एग्जाम होना है। ऑलराइट, अक्टूबर में एग्जाम होना है तो वो हम सोच के चले हैं कि अक्टूबर में एग्जाम होना है, इसलिए इस बार जितना हो सकता है, है ना, जितना जिस सब्जेक्ट के लिए जितना जितने डेज लगने चाहिए, जो 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 कि इनफ होने चाहिए, वो हमने कवर करे हैं। इसलिए 120 डेज, है ना, 120 दिन की क्लासेस चलने वाली है। आपका कंप्लीट सिलेबस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, तो डेट्स आप ध्यान से देख लेंगे गाइस। ये टाइम टेबल जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप जब बैच कोर्स को ज्वाइन करोगे तो वहां भी आपको इसकी कॉपी गाइस दे दी जाएगी। इसको आपने अपने स्टडी डेस्क के आगे लगा लेना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग क्या रहने वाली है? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टाइमिंग रहने वाली है 7 to 8 PM, ध्यान रहे PM, इवनिंग टाइम में क्लासेस हुआ करेंगी। और मंडे टू थर्सडे, है ना, 4 डे हम क्लासेस करेंगे। फ्राइडे सैटरडे जो है वो आपके मॉक टेस्ट रहेंगे गाइस, है ना, एंड संडे विल बी रेस्ट, है ना, ये आपने ध्यान रखना, संडे विल बी रेस्ट। तो 7 to 8 शाम को मंडे से थर्सडे, है ना, ये आपकी टाइमिंग है। क्लासेस मेरी ऐप पे हुआ करेंगी, जूम में हुआ करेंगी, जूम मेरी ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है ना। आपको जस्ट अपनी ऐप में आपको बताऊंगा बाद में, है ना, आफ्टर बाइंग क्या करना होता है आपको। अभी के लिए आप इतना जान लो कि क्लासेस टाइमिंग आपकी 7 to 8 PM है मंडे से थर्सडे, एंड फ्राइडे टू सैटरडे आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, संडे विल बी रेस्ट, है ना। मूविंग अहेड, सो 17 अप्रैल को हम शुरू करने वाले हैं पेपर 1, जो कि चलने वाला है पूरा एक मंथ, 17 अप्रैल से लेके
14th of May तक। अब आप यहाँ पे ध्यान से इसको देख लें, जैसे टीचिंग के हमने 8 लेक्चर रखे हैं, मीन्स 8 आवर्स, और इस कोर्स का क्रक्स क्या है, है ना, आपका बैच अलग से होता है और आपका कोर्स अलग से होता है। कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं और बैच में मैं आपको ऐड करता हूं। तो बैच में क्या होता है, बैच में आपको डेली मॉक टेस्ट मिलते हैं, और मॉक टेस्ट कब मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको क्लास के बाद मिलते हैं। सो आप यहां पे देखें, टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर 1 विद मॉक टेस्ट, क्या मतलब है कि हम जो पढ़ेंगे उस लेक्चर में उसके बाद उसका मॉक टेस्ट आपको उसके बाद मिलेगा, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सको कि आपने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा और आपको क्या समझ आया। All right. अब देखें 17, 18, 19, 20, चार दिन टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 विद मॉक टेस्ट, है ना। उसके बाद 21 और 22, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे होगा तो उस दिन टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट, ध्यान से देखते रहिए गाइस। उसके बाद 23 को संडे होगा तो देखो रेस्ट रखी हुई है। देन 24 को फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, क्योंकि एनसीईआरटी ने कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया है कि भाई टीचिंग में आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो सिलेबस हम खुद कवर करेंगे, जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। इसलिए टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा, कोर्स में मैंने एक बायफ्रिकेशन भी की हुई है, वहां पे मैंने दिखाया हुआ है कि टीचिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च से कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ मैं बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए हमने टीचिंग को ज्यादा टाइम दिया है, 8 लेक्चर में टीचिंग को दिए हैं। 27 तक हम टीचिंग को पढ़ के खत्म कर लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को। उसके बाद 28th को आपको क्या मिलने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास टेस्ट क्या होता है, बैच 1 में हमने किया था, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जितने भी बच्चे होते हैं उनको एक क्लास टेस्ट मिलता है, है ना। उनको क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे या 25 क्वेश्चन होंगे, वो सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसमें रैंक आता है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कौन से बच्चे के 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो उसको हम क्लास टेस्ट बोलेंगे। ये आफ्टर एवरी टॉपिक, जैसे टीचिंग पढ़ लिया, रिसर्च पढ़ लिया, उसके बाद लगातार क्लास टेस्ट चलेंगे, ताकि हमें ये मालूम पड़ता रहे कि क्लास में कौन टॉप कर रहा है, कौन सबसे आगे चल रहा है। ऑलराइट, ये सब कुछ मेरी ऐप के अंदर होने वाला है। तो 28 को आपको टीचिंग ऐप का क्लास टेस्ट मिलने वाला है, 29 को भी इसका ही क्लास टेस्ट मिलेगा, मतलब दो क्लास टेस्ट आपको बैक टू बैक मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। ओके, उसके बाद गाइस हम करने वाले हैं 1 मई से लेके 4 मई तक हम करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। अगेन इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखें डेट्स आपके सामने लिखी हुई है, और यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 डेट वाइज आप देख सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है कितने बजे क्लास होने वाली है, 5 तारीख को इसका क्लास टेस्ट और उसके बाद 6 तारीख को क्लास टेस्ट सेकंड। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, पहले हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, है ना, और उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद आपको उसका क्लास टेस्ट मिलेगा। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मिलेगा, लेकिन जब क्लासेस हुआ करेंगे आपकी, जैसे आपकी क्लास टाइमिंग रखी है 7 to 8, तो 7 to 8 जब क्लास आपकी हो जाया करेगी, उसके बाद आपको उसका मॉक टेस्ट मिलेगा। वो तो डेली मिलना है, मतलब आपको डेली मॉक टेस्ट मिलना है, जो हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनको डेली मॉक टेस्ट मिलते जाएंगे, और जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसका आपको गाइस क्लास टेस्ट मिला करेगा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। मूविंग अहेड, 8 तारीख को हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं, है ना, विद मॉक टेस्ट। 9 तारीख को गाइस हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग विद मॉक टेस्ट। आपको पता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से बाकी 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम कुछ, ये बहुत कॉमन से टॉपिक है, फिर भी हम यहाँ कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, है ना। और 10 और 11 तारीख को जीके, यहाँ से 8 या 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 दिन हम जीके को देने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा जीके कितना और कहाँ से पढ़ना है। ऑलराइट, तो 10 और 11 को हम 10 11 मई को हम कवर करने वाले हैं जीके लेक्चर्स विद मॉक टेस्ट। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे हम पेपर 1 पढ़ के खत्म कर चुके होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, 12 मई और 13 मई को आपको गाइज मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पेपर 1 इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट विद आंसर की। जैसे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के क्लास टेस्ट मिले उस टॉपिक को खत्म करने के बाद, वैसे ही पेपर 1 को खत्म करने के बाद हम पेपर 1 का मॉक टेस्ट करेंगे। अभी पेपर 1 का मॉक टेस्ट किस फॉर्म में होगा, ये बिल्कुल जैसे जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है 17 में हुआ था, 18 में, जो भी हमारे पेपर्स हुए हैं वहां के पेपर को हमने मॉक टेस्ट में, हमारी टीम ने उसको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया है। आपको पता है इस बार से आपका जो ये है वो सीबीटी मोड पे हो रहा है, एनएसटेट, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होने वाला है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे, उसी फॉर्म में ये मॉक टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, है ना। तो आफ्टर कंप्लीटिंग पूरा पेपर 1 पढ़ लेने के बाद हम पेपर 1 के मॉक टेस्ट करेंगे। यहां भी आपकी रैंकिंग आएगी, कौन सा बच्चा क्लास में है इसमें पेपर 1 में टॉप कर रहा है।
ऑल राइट, आएगा सर आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो पेपर वन खत्म करने के बाद गाइज 15 मई से लेके 11 जून तक हम करने वाले हैं पेपर टू। अब आप सबको पता है जिन्होंने पेपर दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया उनको बता देता हूं कि एनएसटैट में सबसे टिपिकल अगर कोई पेपर है तो पेपर टू है। पेपर टू की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। पेपर वन भी उतना टफ नहीं है, पेपर थ्री तो आपका सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन पेपर टू क्यों टफ रहता है, क्योंकि इसमें है आपका अकाउंट्स, इसमें आपका जनरल मैनेजमेंट, है ना, इसमें आपका फूड साइंस, और ये वो सब्जेक्ट है अगर आपको याद होगा आपने अपनी डिग्री में इन पे ज्यादा फोकस नहीं किया होगा, इनको आपने सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा होगा और एनसीएचएम ने इन्हीं को उठा लिया ताकि आपका पेपर टफ हो जाए। ओके, तो ये पेपर जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप लोग भी मेरे से अग्री करेंगे, पेपर टू इज मोस्ट टिपिकल पेपर, है ना। सो इसको हम कवर करने वाले हैं 15 मई से लेके 11 जून तक, है ना। डेट्स आपके सामने हैं 15, 16, 17, 18 पढ़ने वाले हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और साथ में क्या मिलेंगे आपको इनके मॉक टेस्ट। पैटर्न आपको याद कर लेना है, 7 to 8 क्लासेस होनी है, मंडे से थर्सडे क्लास होनी है। क्लासेस कैसे होनी है, टाइम टेबल आपके सामने है। क्लासेस के बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ओके, तो हम गाइस 18 तक कर रहे होंगे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के लेक्चर्स, है ना। 19 और 20 को इन्हीं के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद आपको 22 और 23 को अगेन फूड साइंस और न्यूट्रिशन के लेक्चर 5, लेक्चर 6 मिलेंगे। हमने 6 लेक्चर्स रखे हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के लिए। ऑलराइट, 24 और 25 को अगेन आपको फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऑलराइट, उसके बाद 26 और 27 को आपको फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के क्लास टेस्ट मिलेंगे। क्लास टेस्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, इसमें आपकी इवैल्यूएशन होती है कि क्लास में अगर 50 बच्चा है तो उन 50 बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद 29 मई से लेके 2 जून तक हम कवर करने वाले हैं होटल अकाउंट्स विद मॉक टेस्ट। ऑलराइट, तो आप यहां देख सकते हैं डेट्स के साथ हमने 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून होटल अकाउंट्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 ये हम कवर करने वाले हैं विद मॉक टेस्ट, है ना। उसके बाद 2 जून को आपको होटल अकाउंट्स का लेक्चर 5 मिलेगा और उसका मॉक टेस्ट मिलेगा। ओके, 3 जून को होटल अकाउंट्स का क्लास टेस्ट मिलेगा। ऑलराइट, देन गाइस 5 जून से लेके 9 जून तक हम कवर करने वाले हैं मैनेजमेंट विद मॉक टेस्ट। ओके, अगेन डेट्स आपके सामने हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, मैनेजमेंट लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ऑलराइट, हमारे जो टीचर्स हैं गाइस वो ऑलरेडी एनएसटेट क्वालिफाइड हैं, है ना। पिछले 7 to 8 years उनको टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो एनएसटेट और प्लस नेट क्वालिफाइड हैं जो आपको ये पेपर टू पढ़ाने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, 9 जून जो है वो मैनेजमेंट का लेक्चर 5 होगा, इसका मॉक टेस्ट मिलेंगे। 10 जून को इसका क्लास टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ओके, अब आप देखें 10 जून तक हम पेपर टू के जो सारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के खत्म कर चुके होंगे। ऑलराइट, अब क्या होगा, जो पेपर वन के बाद हुआ था पेपर टू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं विद आंसर की, ताकि अगेन आपको ये मालूम पड़ सके कि पेपर टू में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपको समझ आया, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं और क्लास में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा गाइस वीडियो लंबा रहेगा, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, फिर आपके मैं सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। 11 जून को अगेन आपको एक और मॉक टेस्ट मिलेगा पेपर टू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पेपर टू खत्म हो चुका है, हमने इसके मॉक टेस्ट कर लिए, क्लास टेस्ट कर लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर लिए, अब हम आते हैं पेपर थ्री पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, 100 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कवर करने वाले हैं 12 जून से लेके 12 अगस्त तक, इसलिए इसको 2 मंथ्स दिए हैं क्योंकि यहाँ से 100 क्वेश्चन आते हैं, जहां से 50-50 क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने एक एक मंथ दिया है और जहां से 100 क्वेश्चंस आते हैं वहां उसको हमने 2 मंथ्स दिए हैं। तो 12 जून से 12 अगस्त तक हम पेपर थ्री कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, अब यहां पे देखें सबसे पहले हम करेंगे हाउसकीपिंग। ओके, और हाउसकीपिंग करने वाले हैं 12 से लेकर 24 जून तक, है ना। तो डेट्स आपके सामने हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हाउसकीपिंग के। देन हाउसकीपिंग के मॉक टेस्ट 16 and 17 जून को। देन 19, 20, 21 को हाउसकीपिंग के लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7। देन 22 को लेक्चर 8, 8 लेक्चर हम हाउसकीपिंग को देने वाले हैं। 23 और 24 जून को आपको मिलेगा हाउसकीपिंग का क्लास टेस्ट, है ना। आपको पता है 25-25 क्वेश्चंस आते हैं चारों मेन डिपार्टमेंट से। देन 26 जून से 8 जुलाई तक हम कवर करने वाले हैं फ्रंट ऑफिस, अगेन
इसको हम 8 लेक्चर देने वाले हैं, 26 जून 27 28 29 फ्रंट ऑफिस लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 विद मॉक टेस्ट है ना, 30 और 1 जुलाई को अगेन इसके मॉक टेस्ट, 3 4 5 6 को फ्रंट ऑफिस के लेक्चर 5 लेक्चर 6 7 8 विद मॉक टेस्ट, 7 और 8 जुलाई को फ्रंट ऑफिस के क्लास टेस्ट है ना, 10 जुलाई से 22 जुलाई तक हम कवर करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन। तो आपके सामने डेट्स हैं, इनके लेक्चर लिखे हैं, ये टाइम टेबल आपको गाइस मिलने वाला है ना। देन 14 जुलाई और 15 जुलाई को फूड प्रोडक्शन के मॉक टेस्ट, देन अगेन 17 18 19 20 अगेन फूड प्रोडक्शन के लेक्चर 5 6 7 8 ओके, देन 21 और 22 जुलाई को फूड प्रोडक्शन के क्लास टेस्ट, देन 24 जुलाई से 12 अगस्त तक जो लास्ट टॉपिक होने वाला है फूड एंड बेवरेज सर्विस, तो 24 25 26 27 एफ एंड बी लेक्चर 1 2 3 4 है ना, देन 28 29 को एफ एंड बी के मॉक टेस्ट, देन 31 जुलाई 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त इनके अगले लेक्चर्स, देन 4 अगस्त 5 अगस्त को फूड एंड बेवरेज के मॉक टेस्ट, देन 7 8 9 10 अगले लेक्चर्स, लेक्चर 9 10 11 12 12 लेक्चर दिए हमने एफ एंड बी सर्विस को, एंड देन इनके क्लास टेस्ट 11 और 12 अगस्त को इनके क्लास टेस्ट। अब 13 अगस्त को हम पेपर 3 का प्रीवियस ईयर के जो हमने किया, अब यहाँ पे 12 अगस्त तक हमने गाइस पेपर 3 पढ़ के खत्म कर लेंगे, तो अब इसका आपको पेपर 3 के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं 13 अगस्त को। ऑलराइट, तो यहाँ पे पेपर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना एज अ मॉक टेस्ट। 14 अगस्त जो कि लास्ट डे होने वाला है बैच 2 का, उस दिन एग्जाम स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और 0.5 की होती है, बहुत से बच्चे यहीं पे उड़ते हैं है ना, तो कैसे एग्जाम को टैकल करना है, कितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए है ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम स्ट्रेटजीज में यहाँ बताया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग हैंडलिंग कैसे हैंडल करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्वालिफाइंग टेक्निक सब कुछ आपको यहाँ पे 14 अगस्त को गाइज बताया जाएगा। तो ये रहा टाइम टेबल गाइज, 120 डेज लगातार क्लासेस चलने वाली है, टाइम टेबल आपके सामने है ना। अब हम मूव करते हैं पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो, ये कोर्स कहाँ है, उसे ज्वाइन कैसे करना है। ओके गाइस, तो ये रहा वीडियो का सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये कोर्स कहाँ मिलेगा, उसको आपसे ज्वाइन कैसे करना है। तो गाइस, ये कोर्स आपको मिलने वाला है मेरी एप्लीकेशन जिसका नाम है राणा एजुकेशन, ऑलराइट, और उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, और उस वीडियो का लिंक गाइस मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से जाके आप उस इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये गाइज उस ऐप का डेस्कटॉप व्यू है। तो गाइज उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपने कोर्स को ढूंढना कैसे है ना, ढूंढने के लिए आप सबसे पहले आप जाएंगे स्टोर पे है ना गाइज, आप स्टोर पे जाएंगे और स्टोर पे जाने के बाद आपको दिखा देता हूं है ना, आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया इंस्टॉल कर लिया, फिर आपने उस ऐप को ओपन करना है, आपने स्टोर पे जाना है, और स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर दिखेंगे अलग अलग ओके, या तो आप इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आप ऊपर डायरेक्ट सर्च, यहाँ पे आपको सर्च दिख रहा है, यहाँ पे सर्च करेंगे आप है ना, तो आप सीधा यहाँ पे फोल्डर है एनएसटेट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब एनएसटेट के जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं, पेपर वन का, पेपर टू का, पेपर थ्री का, किसी में पेपर वन और टू मिक्स है, लेकिन जो लाइव क्लासेस होनी है वो सिर्फ आपके गाइज कंप्लीट कोर्स में होनी है ना। तो यहाँ पे आपके आप क्लिक करेंगे कंप्लीट कोर्स ऑफ एनएसटेट एडवांस, जिसका जो प्राइस है गाइज वो हमने रखा है 9999, आप इस पे क्लिक करेंगे है ना, तो ये कोर्स आपके लिए ओपन हो जाएगा ओके। ये वो कोर्स है गाइस। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसकी वैलिडिटी कितनी है ना, जैसे आप इसको बाय करते हैं तो उसके बाद आपको इसकी वैलिडिटी कितनी मिलती है, आपको इसकी वैलिडिटी मिलती है गाइस 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अगर आप इसको आज परचेज करते हैं तो 6 मंथ्स तक आप इस कोर्स में गाइस बने रहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर 6 मंथ के अंदर आपका एग्जाम नहीं होता है तो जब भी होगा उसके बाद गाइस आपकी वैलिडिटी मैं तब तक बढ़ा दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट है ना। ऐसा नहीं कि आप 6 मंथ्स के बाद आप इसका एक्सेस खो दो और उसके बाद आपका एग्जाम, अगर आपका एग्जाम नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है ना, जनवरी में होता है गाइस, तो मैं आपकी वैलिडिटी वहां तक बढ़ा दूंगा, आप सारा कंटेंट उस डेट तक इसमें देख पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि रीड मोर पे आप एक बार क्लिक कर लेंगे है ना, यहाँ पे आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, पेपर वन के वीडियोस, पेपर टू के वीडियोस, पेपर थ्री के वीडियोस, इनको आप एक बार देख लेंगे है ना। उसके बाद गाइस हम चलते हैं कंटेंट में, से कंटेंट में क्या क्या मिलने वाला है, ये कंटेंट रहा है इसका है ना, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं है ना। यहाँ पे आप देखें पहला है मोटिवेशनल ओपनिंग, यहाँ पे टाइम टेबल डिसिप्लिन वगैरह आपको बताया हुआ, एक वीडियो है उसको आप ध्यान से देख लेंगे, सिलेबस है आपको पता होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ मिल जाएगा।
अब आपको बता देता हूँ पेपर वन जैसे ये है ना। अब जैसे अभी हमारा जो बैच वन हुआ था गाइस, है ना, जो बैच वन हुआ था हमारा, उसमें जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी गाइस रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड की गई ऑलरेडी, है ना। तो आप देखें टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके आपको 4 रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड जो पहले से इसमें थे, और जो लाइव क्लासेस हुई हैं अभी बैच वन में वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं आपको एक दिखा दूँ, डेमो दिखा देता हूँ, 23 का आपका बैच वन है ना, और इसमें हमारी टीचिंग की 4 क्लासेस हुई थी, तो सारी गाइज आपको यहाँ पे मिलने वाली है ना। और रिकॉर्डेड वीडियो उसमें अलग से हैं, और जो लाइव क्लासेस हुई है बैच वन में वो भी आपको सारी यहाँ पे गाइज मिलने वाली है। अभी सेम पैटर्न आपको सबके लिए मिलेगा। अभी मैंने आपको किसके लिए दिखाया, पेपर वन के लिए, है ना। पेपर वन में जैसे पेपर वन में हमने देखा टीचिंग एप्टीट्यूड के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और इनके लाइव क्लासेस भी हैं, वैसे ये रिसर्च की होंगी, रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव भी हैं, है ना। वैसे गाइस आपका पेपर टू, ये तो पेपर वन था, पेपर टू अगर हम बात करें फूड साइंस, होटल अकाउंट्स, देन जनरल मैनेजमेंट, है ना, तो इनके भी आप देखे हैं, ये रहे इनके रिकॉर्डेड वीडियोस, है ना, जहां पे इनको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, है ना। और जो लाइव क्लासेस हुई हैं बैच वन में वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, प्लस जो भी बैच टू में लाइव क्लासेस होंगी, जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है वो रिकॉर्ड होती रहती है, उसको हम इसी में अपलोड कर देते हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये हमारा पेपर टू का हो गया, है ना, ये पेपर टू का हो गया। देन उस वैसे ही आपका पेपर थ्री रहेगा गाइज, ये पेपर थ्री हो गया। ओके, तो पेपर थ्री में आप देखें फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सेम पैटर्न है ना। जैसे हम एक यहाँ चेक कर लेते हैं फ्रंट ऑफिस, तो फ्रंट ऑफिस के ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 6 वीडियोस हैं और 3 यहाँ पे लाइव क्लासेस हुई थी। ओके, तो वैसे पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा, है ना, ऐसे करके आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें इस कोर्स में आपको और क्या मिलने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पेपर 1, 2, 3 हमने देख लिया, देन मॉक टेस्ट, 198 मॉक टेस्ट, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर 1 के 34 मॉक टेस्ट हैं, पेपर 2 के 55 मॉक टेस्ट हैं, पेपर 3 के 109 मॉक टेस्ट है, और इसमें और भी ऐड किए जाएंगे। एक मॉक टेस्ट का मतलब होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अब मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी ग्रेजुएशन में, अगर हम पेपर 3 की बात करें, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, किचन सर्विस, है ना, वो सारे बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है। वैसे ही पेपर 2 की सुनीता रोड़े है, है ना, फूड साइंस की या होटल अकाउंट्स की, किसी की बुक्स हैं जो हमें पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन में, वहां जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है, है ना, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और अभी हम इसमें जितने भी हमें रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, हमारी टीम उनको कन्वर्ट करके आपके लिए गाइस यहाँ पे दे देगी। तो ये मॉक टेस्ट का एक हो गया, एक मॉक टेस्ट का डेमो आपको भी आई बटन में दिख रहा होगा, है ना, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी मॉक टेस्ट का एक डेमो देख सकते हैं। देन प्रीवियस इयर्स एमएससी जेई क्वेश्चन पेपर, क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो शफल भी होते हैं, तो एमएससी जेई के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस इयर्स के 2015 ऑनवर्ड्स, वो भी आपको यहाँ पे मैंने दे दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देन प्रीवियस इयर्स एनएसटैट, आज तक जितनी बार भी एनएसटैट हुआ है वो सारे पेपर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। असिस्टेंट लेक्चरर एंड लेक्चरर एग्जाम, अब ये क्या है, एनएसटैट होने से पहले गाइज असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम होता था, है ना, तो वो भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं कि उस टाइम कैसे क्वेश्चंस आते थे। प्लस लेक्चरर की पोस्ट के लिए अभी भी सभी आईएचएमएस में एग्जाम ही होता है, क्योंकि वहां पे एनएसटैट नहीं चाहिए होता है, है ना, वहां पे आपका एग्जाम होता है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। तो वो एग्जाम कैसा होता है, वो सब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मंथ वाइज जीके, जीके से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मंथ वाइज जीके कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो आपको यहाँ बताया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज, हॉस्पिटैलिटी से काफी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो आपको मंथ वाइज यहाँ मिलने वाली है। एंड मोटिवेशनल एंडिंग, है ना, एक छोटा सा वीडियो है। तो गाइज ये पूरा कंटेंट, जैसे आप कोर्स को बाय करते हैं तो वो कंटेंट ये पूरा आपके लिए गाइज ओपन हो जाता है। अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये कोर्स का इसका आप देखें प्राइस आपके सामने है, और इसमें गाइज मैंने आपके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि हम एक वन टाइम इसको पे नहीं कर पाएंगे, तो मैंने आपके लिए इंस्टॉलमेंट ऐड कर दी है। आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जैसे जो कोर्स है इसका जो हाफ अमाउंट है इसको आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है गाइस वो आपको 2 मंथ्स के बाद पे करनी होगी, है ना, आफ्टर 2 मंथ्स। अगर आप नहीं पे करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स तो आपका जो एक्सेस है वो चला जाएगा।
तो आपके ईज के लिए मैंने इस कोर्स को दो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया है। आप इसको दो इंस्टॉलमेंट में भी इसकी फीस को पे कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके बॉटम में आपको आपके फोन में या आपके लैपटॉप में बाय नाउ की ऑप्शन आएगी। आप जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग पोर्टल खुल जाएंगे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, कार्ड्स पेमेंट, है ना, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट वट एवर, वहां पे आपको इसको क्लिक करेंगे। बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है, आप इसको बहुत इजीली गाइस ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं सर आप क्या करना है, मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद जो कोर्स गाइज आपने ज्वाइन किया है ना, जिस कोर्स को आपने बाय किया है, वो आपके होम स्क्रीन पे ही आपको दिखेगा। आप जैसे ऐप को खोलेंगे तो वहीं पे आपको ऊपर लिख के आएगा योर परचेज्ड कोर्स, है ना, वहां पे लिख के आएगा योर परचेज्ड कोर्स। तो वहां जाके आप डायरेक्ट उस कोर्स को ओपन कर लेंगे, है ना। वो जितना भी कंटेंट है गाइज उस कोर्स का, वो आपके लिए वहां पे अनब्लॉक हो जाएगा। अब एक और मैं आपको यहाँ चीज दिखा देता हूँ, बैच। ये तो आपका कोर्स है जो आप ज्वाइन करोगे, जिसमें आप पे करोगे। जैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो उसके बाद मैं आपको एक बैच में ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने आपको टाइम टेबल बताया था कि आपको आफ्टर एवरी क्लास मॉक टेस्ट मिलने वाला है। तो मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, है ना, तो वो मैं आपको खुद उस बैच में ऐड कर दूंगा, है ना। आपका जो ऐप है उसमें स्टार्टिंग में आपको बॉटम में ऐसे फोल्डर दिखेंगे, बैचेस, है ना, स्टोर, चैटिंग, ऐसे करके। तो स्टोर में तो आपका एक कोर्स है और बैचेस में गाइज आपको मैं ऐड कर दूंगा। तो जैसे आप बैचेस पे क्लिक करोगे आपको वहां वो बैच गाइज दिख जाएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देखें बैच एनएसटेट 23। तो आप जैसे कोर्स को ज्वाइन करेंगे बैच में मैं आपको ऐड कर दूंगा, है ना। आपने बैचेस पे जाना है, ऐसे बैच आपके सामने डिस्प्ले होगा। ओके, वहां पे गाइज आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट बैच था, वहां जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे, है ना, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वो कैसे होते थे। तो यहाँ पे आपको जैसे मॉक टेस्ट 38 है, 37 है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट ऐसे असाइन कर दिया जाएगा, वहां पे उसकी डेट और टाइम सब कुछ लिखा होगा। जैसे आपके फर्स्ट क्लास होगी तो आपको मैं एक डेमो भी देकर दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी रहे, है ना। तो ये बैच है, कंफ्यूज नहीं होना है, बैच में आपको मैं खुद ऐड करूंगा। आपको कोर्स बाय करना है, उसके बाद आपको बैच में मैं ऐड कर दूंगा। आप बैचेस में जाएंगे तो वहां पे आपको बैच दिखेगा, वहां पे आपको डेली गाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, है ना। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर बाइंग हमें क्या करना होता है। जैसे आप कोर्स को बाय कर लेते हैं गाइज, आपको आपकी जो होम स्क्रीन है मेरी ऐप की, वहीं पे आपको दिख जाएगा योर परचेज्ड कोर्स, कोर्स का नाम आएगा, उसको आप ओपन करेंगे, उसका कंटेंट को आप खोल सकते हैं, सारे वीडियोस को, मॉक टेस्ट को आप देख सकते हैं और लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद बैच और कोर्स में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता दिया। कोर्स को आप बाय करेंगे और बैच में मैं आपको मैं ऐड करूंगा, वहां पे आपके डेली मॉक टेस्ट चलेंगे, है ना। देन हाउ टू फाइंड कोर्स, तो मैं आपको बता दिया है, जैसे आप कोर्स को बाय करेंगे तो आपके होम स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, योर परचेज कोर्स करके आएगा। ओके, देन डेमो। आप बहुत से बच्चे बोलेंगे सर डेमो क्लास भी हमें चाहिए, हम ऐसे कैसे ज्वाइन कर लें। फिर भी आपको हर एक पेपर का डेमो, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके डेमो आपको आई बटन में ऊपर दिख रहे होंगे अभी, है ना। और कंप्लीट डेमो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, पेपर वन का डेमो क्लास अलग दी है, पेपर टू की अलग दी है, पेपर थ्री की अलग दी है। ओके, देन इस डिवाइस, इस ऐप को हम कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं गाइज। इस ऐप को आप अपने फोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, iOS पे, एंड्रॉयड पे, किसी भी डिवाइस पे ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो को इंस्टॉल कैसे करना है उस वीडियो में बता दिया है। ओके, देन इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बता दिया कि इंस्टॉलमेंट आप दो में पे कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन के साथ में फीस क्यों रखी है गाइज, फीस तो रखनी ही पड़ती है क्योंकि सभी पेपर्स के अलग अलग ट्यूटर्स हैं, है ना। पेपर वन मैं पढ़ाऊंगा, पेपर टू कोई और पढ़ाएगा, पेपर थ्री के चार ट्यूटर हैं अलग अलग। ओके, जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। अब जो आपको पढ़ाएंगे गाइस वो फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं, वो मुझे चार्ज करते हैं, मुझे उनको पे करना होता है। ओके, तो अब फ्री में मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उनको कहाँ से पे करूंगा। ओके, और लाइफ में कभी फ्री के लिए जाना भी नहीं चाहिए, है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अगर आप फ्री के लिए जाओगे तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। ओके, सो इसलिए इसकी फीस रखी गई है। एंड बाकी गाइज मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है इस कोर्स के बारे में। 17 अप्रैल से हम शुरू करने वाले हैं, आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और 17 से क्लासेस को अटेंड करें। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है ना, तो गाइज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। 17 तारीख से हम क्लासेस को शुरू करने वाले हैं एज पर टाइम टेबल। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस दिखाने के लिए। अगर आप यहां तक
अगर आप यहां तक गाइस इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मींस डेफिनेटली आपको एनएसटेट की नीड है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सो इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्लासेस को अटेंड करें। 20 अप्रैल से पहले ही जो हमारे क्वालिफायर्स हैं, जिन्होंने बैच वन में असिस्टेंट लेक्चर के लिए क्वालिफाई किया है, उनके साथ हम एक वीडियो बनाएंगे और उन्होंने कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया वो सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विद द नीडी स्टूडेंट्स एंड सी यू ऑल इन द क्लास ऑन 17th ऑफ अप्रैल 2023। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.